अरे भाईजान, ये तो हमारी आयशा लग रही थी। भाईजान मेरा तो मन कर रहा है इस काफिर को ना अभी जाके बीच में से फाड़ दूं। देखो इसने हमारी नाक कटवा दी, हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। देख लीजिए। अरे तू एक काम कर, तू आते मिलने जा, हम तेरी गैल चलेंगे। भैया इन्हें जानते हो आप? ये वाला मकान। ओ सलीम ला लाफी ला, ओ का छाले को। अरे आ जाओ बाहर, एक एक मार दूंगा। अबू बच गया आपकी बार आराम घोर, निशाना चूक गया थोड़ा सा। कोई ना, इंशाल्लाह जो हुआ वो भी बढ़िया हुआ। कोई नहीं, साले को सबक तो मिला। बैठता है बतेरा हमको तो। चल वो आएगा और जरूर आएगा, और देख लेना तुम लोग मुझे लेकर जाएगा। बे सलीम, इस लौंडिया को भीतर ले जा, देख ले। वो भीतर चल। तेरे शहर की ना गैंग मेरे गामा वर्गी, तेरे बाड़े के से टट्टू मेरे यार जिगरी। तू सोच ना सके ऐसे काम यार के, काले कारना में यार तेरा टॉप डिग्री। काले कारना में यार तेरा टॉप डिग्री। वो नशे पते से दूर दे सिखान मान से, नशे से दूर दे सिखान मान से, ना मानिए तो हमने। और वो ऐसी क्या हाल है? मत कर, हाल बता कैसे हैं? जाके दोर तम जैसे यार हो पाका हो सके। अरे दिक्कत तो है ही ना तेरी गैल खड़े, तन मन धन और बिंदी गन टेंशन की ले रो। अरे तू बता दा आगे क्या करना है। दादा करना कुछ ना, पर ऐसा वा जेल से बाहर निकालनी है। एक दिन मैं फोन तेरा सो सोबे मिलाऊं, सुरे आवेगा जवाब कोई फोन पे लखाऊं। तेरी फोटो देखने को इंस्टा चलाऊं, सु रोहित सरदना की रागनी भी गाऊं, सु मैं रागनी भी गाऊं सु। हेलो राधे, मुझे अपने साथ ले जाओ, ये लोग मेरा निकाह मेरे चाचा के बेटे से कराने जा रहे हैं। चुप तो हो। राधे तुम्हें नहीं पता ये बहुत बड़े जल्लाद हैं। रोना बंद कर, मैं आज 6 बजे आऊंगा समझ को, ठीक है? तैयार रहियो। ठीक है, मैं तुम्हें घर के पीछे वाले रास्ते पे शाम को 6 बजे मिलूंगी। जय श्री राम, अल्लाह हाफिज। अरे राधे तू पागल तो न हो, वह छोरी चार लिखी फिर। भाई बेशक इसमें उसकी कुछ चाल हो, पर मेरा प्यार सच्चा हो मैं जरूर जाऊंगा। अरे अंकित भाई तो पतो आसी खोरो यार, टेम फुल लियो, यू जाएगा सही, रुके ना हो हम। ठीक है फिर हम भी चलेंगे। ना भाई मैं तुम दोनों ने जो जोखिम में ना गिर सकूं, मैं अकेला ही जाऊंगा। जैसी तेरी मर्जी, जो तू कुछ करना हो कर ले। आता रहा ही ना आयो, चलो मैं हुक्का बन लाता हूं। ठीक कर ला, जल्दी आइयो। और देख अंकित भाई ना हुक्का, देखी मोने तो है नो 100% जाएगा। देख भाई अपने ही अकेले आज छोड़ ना सके, हम भी चल ले या भी कर बता। सलीमिया वो बात हुई मौलाना साहब से, उन्होंने निकाह 21 तारीख का फरमाया उस्मान मिया का। बे बड़े मिया मैं तो ये कह रहा हूँ 21 से पहले करा दो। चलो 21 से पहले देख लेते हैं, अगर मौलाना साहब से एक बार और बात कर लेंगे क्या होगा। अरे भाई नेताजी आओ आओ, ले खुद नेताजी चल कर आ रहे हैं हमारे पास, बतला वह बड़ा बढ़िया मुकद्दर लेकर आए। बैठो नेताजी बैठो, अच्छा भैया बैठ। वे नेताजी आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया, कहते ईमान से ले। अरे मियाँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी चिंता खाई जाती है वैसे, मुझे आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब नेताजी आप ही की जरूरत है हमें तो, आप ही का सहारा हमारे पास तो। हमने सुना है कि पड़ोस गांव का कोई हिंदू लड़का आपकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है। वे नेताजी तुम्हें क्या बतलाऊं, भाई सब इतना नाक में दम कर रखा उसने, हमारी लौंडिया ने कई बार मना कर लिया और हमने खुद ने उस लड़के के हाथ पांव तक जोड़ लिए। ये लगा लो तुम तो। भैया मान जा हमारी लौंडिया को मत परेशान, सरकार की ओर धमकी देते हैं हमें तो बतलाओ। इन जाहिलों की करतूत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आप परेशान ना हो, हम और हमारी पार्टी आपके साथ है।
अब नेताजी आप ही की पार्टी पर भरोसा है, वरना आजकल की सरकार तो ये चाहती है हम कब मुल्क छोड़ के चले जाए यहाँ से। अरे सलीम भाई हमारी सरकार आने दो, ये मुल्क छोड़ने की जरूरत आपको नहीं उनको पड़ेगी। नेताजी एक आपकी पार्टी है बस जो हमारे लिए सोचती है, वरना कोई ना सोच रहा। अच्छा मियाँ जी हम चलते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है। अरे देखियो ख्याल रखियो नेताजी, बतला रहा हूँ इससे करवाने के करीब नहीं काफी बात, देखो हो जाता इसका। अच्छा नेताजी। राधे भैया मोड़ जा मोड़, तो तुम्हारी रहो इनो यार बहुत खराब इलाका हो तो मार देंगे वे, मौन कर बात मत जावे हो, हाथ जोड़ रहे तेरे हम। हमारा हाथ में पौच उंगली है, अरे सारी अलग अलग है एक सी न होती। वो बात तो ठीक है तेरी पौच उंगली वाली, पर हमारे देश में आज भी कुछ गद्दार छुपे हुए हैं। अंकित दादा ऐसा धोखा न दे सका, मुझसे प्यार कर रहा है पूरा भरोसा। अरे राधे भैया तू तो कति मोहब्बत में डूबो ही पड़ो, भैया ऐसा तेरे नौ से ले जाएगी वो, पर तू नौ मान लो जब भी तू जा। मियाँ जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने नेताजी से झूठ क्यों बोला कि वो हमारी लड़की को परेशान करता है। अरे मियाँ भी तुम नादान हो, तुम्हें इतना तजुर्बा नहीं है, ये नेता लोग किसके सगे हैं, इन्हें तो वोटों से मतलब है। अब इनके सामने तुम जितना गरीब बन के रहोगे उतना बढ़िया, हमारा क्या चला गया ये बता तो मुझे है? हमने उससे ये कह दी कि हमने हाथ जोड़े टांगना तोड़ी ससुरे की, समझाता क्यों ना आज। अब्बू सही बतला रहे हैं आप, बाकी ये वाली सरकार भी गलत नहीं है हमको। उस्मान मियां बात आपकी भी गलत नहीं है, बात आपकी बहुत बढ़िया, लेकिन हमें तो गलत दिखानी पड़ेगी सरकार हमको, जब हम गलत दिखाएंगे सरकार को जब ही तो अपनापन बढ़ेगा। अब मैं समझ गया बड़े मियां, सरकार गलत नहीं इसे हम लोग गलत बनाते हैं। अरे बेटा यही तो फैलाना हमें इस मुल्क में, और फैलाने क्या है। माशी का ना शोक मारा खोप खोप रे, उसकी जिंदगी तबाह जो करे रोक टोक रे, वो लाग जावे कर्फ्यू रे शहर खाली हो जावे, जहाँ जाके करे हम नोक नोक रे, जहाँ जाके करे हम नोक नोक। अपना मजनू आलियो ले ला लेके आ जा भैया। पूरा तू कहा कर राजा हद्दी कर दी तेने, तो तू सच में ले आया, तू तो मरेगा ही मरेगा साले, हमें मरवाएगा। अरे कोई बात ना भाई, अपनो जो कर दियो कोई दिक्कत ना। यार मेनू समझ में आए छोरी के चक्कर में पागल क्यों रहो तू है। दादा तुम बताओ तुम कहा कह रहे हो। मो सारी पते मैं कहा कह रहा हूँ, यू भी तो उनमें ही है। भाई जनाब मेरा यकीन कीजिए मैं राधे को धोखा नहीं दूंगी। अरे अंकित दादा तू दिक्कत मत ले, जो होगो सो होगो, आराधे भैया टेंशन लेने की तो कोई बात ना। ठीक है भैया बाकी जो तुम कर रहे हो ठीक है, पर मो इन पर कतई भरोसा ना, जो भी करना भाई अब जल्दी करो।
भाई चाहता है इनकी कोर्ट मैरिज करा दे या मंदिर में जाकर ब्याह करा दे। हाँ यू ठीक है, अरे चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, कल थारी शादी करवा देंगे मंदिर। भाईजान खड़े न हो आज। अरे रहीम भैया मारे भाईजान के लिए चाय बनवा के ला। आयशा को खड़ा कर दो, चाय बना के देगी। आयशा आयशा अरे अब्बू अब्बू ये देखो लेकिन आपके खत पढ़ने से पहले मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। अगर हो सके तो मेरी इस गुस्ताखी को माफ करने की सोचना। और हाँ एक और जरूरी बात जो मेरे लिए नहीं सभी लड़कियों के लिए है, हम एक आज़ाद देश के बच्चे हैं लेकिन आपको आज़ादी नहीं हमारी गुलामी पसंद है।